ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਫਾਨ ਤੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਵਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और हालत यह है कि कई इलाकों में पानी जमीन को काटकर अब गांव में घुसने लगा है। आप देखेंगे ये रास्ता जो था, अब इस रास्ते में अब चिनाब नदी का पानी है। लोग जो हैं वो काफी जो है परेशान हो चुके हैं, कई घर यहां से बह चुके हैं और अब ये गाड़ियां जो आप देख रहे हैं जो जा रही हैं, ये दरअसल इन घरों से जो घर यहां पे बचे हुए हैं जो बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं, इन घरों से पानी को निकालने के लिए जो है अब गाड़ियों को लाया जा रहा है ताकि घरों से सामान जो है वो निकाला जा सके। आप देखेंगे जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो लोग जो हैं आप कोशिश कर रहे हैं कि जो सामान बच सकता है उसको निकाला जा सके और यहाँ से निकाला जा सके। जिस तरीके से पानी लगातार घुस रहा है ये अब काफी चिंताजनक बना हुआ है। ये पानी जो है पहले यहाँ नहीं था, पहले नहीं था, अभी आ रहा है। अच्छा, कितना पानी है जो अब चिनाब नदी से यहाँ आ रहा है? बहुत ज्यादा पानी है जी, पानी बहुत ज्यादा है नदी में। हमारे कोई जो 50 घर है वो तो पानी में, 8-10 जो कुंभे हैं वो पानी में चले गए हैं, मकान भी चले गए हैं, जमीन चली गई है, बोरे चली गई हैं। अब ये जो पानी अंदर आ रहा है इसका क्या नुकसान हो सकता है? इसका जो हमारे घर हैं सभी पानी में बह जाएंगे। आप ये इस तरफ देख रहे हैं ये जो पानी है बाढ़ का, आप इस तरफ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये दरअसल साथ दरिया चना बह रहा था और यहीं से पानी जो है अचानक इस तरफ आया और आहिस्ता आहिस्ता अब गांव के भीतर जो है ये पानी चला गया है, जिसके चलते अब लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं और इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं कि कहीं उनके घर जो हैं इसका जद में ना आ जाएँ और गाँव के अंदर पानी गया तो सैकड़ों घर और लोग हैं इससे प्रभावित होंगे। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़।